दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी गॉड्स क्रूक्ड लाइन के बारे में, जिसमें एलिसिया नाम की डिटेक्टिव एक फेक पेशेंट बनकर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाती है, जहां उसे एक सुसाइड का राज सुलझाना है। लेकिन कुछ दिन बाद एलिसिया के साथ ऐसा होता है कि वहां के डॉक्टर्स उसे सच में पागल मान लेते हैं और बिना उसके कंसर्न के उसका इलाज करते हैं। तो दोस्तों एलिसिया के साथ हॉस्पिटल में क्या क्या होने वाला है, यह भी आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। 1979 एक ओल्ड मैन एलिसिया को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में छोड़ने आता है और उसे गेट पर छोड़कर वहां से चला जाता है। एलिसिया की मुलाकात हॉस्पिटल में सबसे पहले डॉक्टर रुई प्रेस से होती है, जो एलिसिया का सारा पेपर वर्क करता है उसे एडमिट करने के लिए। इसके साथ ही रुई प्रेस को इन पेपर्स के साथ एक लेटर मिलता है, जिसको डॉक्टर डोनाड्यू ने भेजा है, जिसमें उसने एलिसिया की मानसिक हालत के बारे में अच्छे से समझाया है। दोस्तों आपको ये नाम डॉक्टर डोनाड्यू याद रखना है, इसने ही एलिसिया को यहाँ एडमिट करने के लिए रिकमेंडेशन दी है। रुई प्रेस एलिसिया के साथ कुछ देर बात करता है और इन बातों से पता चलता है कि एलिसिया को यहाँ इसलिए भेजा है कि उसने अपने पति को जहर देकर जान से मारने की कोशिश करी है, वो भी बिना मतलब अपने पति के ऊपर शक करने के कारण। लेकिन एलिसिया ये नहीं मानती, वो डॉक्टर को कहती है कि मेरे पति मेरी सारी जायदाद लेना चाहता है, इसलिए उसने मुझे इलीगली किडनैप करवाया है। डॉक्टर रुई प्रेस एलिसिया की इस बात को सच नहीं मानता, क्योंकि उसकी नजर में एलिसिया एक मानसिक रूप से बीमार औरत है, जो अपने पति को बिना किसी कारण के दो बार मारने की कोशिश कर चुकी है। इसके बाद ही उसे डॉक्टर कैसल के हवाले करा जाता है, जो उसे पूरे हॉस्पिटल और उसके रूल्स के बारे में बताती है। एलिसिया को उसके वार्ड में भेज दिया जाता है उसकी एक कुक के साथ। दोस्तों एलिसिया एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जो एक केस के लिए यहाँ नकली पेशेंट बनकर आई है। ओल्मो, दोस्तों ये वही ओल्ड मैन है जो एलिसिया को जेल में छोड़ने आया था। कुछ साल पहले इसका बेटा इसी हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसने सुसाइड कर लिया। लेकिन ओल्मो को लगता है कि उसके बेटे ने सुसाइड नहीं बल्कि किसी ने उसका मर्डर कराया है, इसलिए उसने एलिसिया को इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अलवर के साथ प्लानिंग कर यहाँ भेजा है। दोस्तों अभी डॉक्टर अलवर छुट्टी पर है, जो करीब एक हफ्ते बाद यहाँ आएगा। अगली सुबह एलिसिया ओर्क्युता नाम के पेशेंट से मिलती है, जिससे एलिसिया को बात करने में ऐसा नहीं लगता कि वो पागल है। वो दोनों बाहर जाते हैं। असल में दोस्तों इस मेंटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अलवर ने मरीजों को बाहर घूमने की परमिशन दे रखी है, लेकिन एक सीमा तक। बाहर एलिसिया दो जुड़वा लड़कों को देखती है, जो एक ऐसी लड़की के साथ बैठे हैं जो कुछ नहीं बोल रही है। ओर्क्युता एलिसिया को बताता है कि इन बच्चों का जन्म इसी हॉस्पिटल में हुआ है और इन दोनों का नाम रोमुलो और रैमो है। रोमुलो पूरा दिन लोगों की नकल करता है और रैमो और उसकी बहन पूरा दिन शांत बिना कुछ बोले बैठे रहते हैं। अगले दिन एलिसिया देखती है कि डाइनिंग एरिया में रोमुलो की एक द एलिफेंट नाम के एक बड़े से आदमी से फाइट हो जाती है, क्योंकि एलिफेंट मैन का बूढ़ा दोस्त उसकी बहन को परेशान करता है। तभी डॉक्टर कैसल आती है, जो एलिसिया को डॉक्टर एरेलानो के पास ले जाती है, जो एलिसिया का इंटरव्यू लेने वाला है ताकि एरेलानो उसकी दिमागी हालत को जान सके। वो शुरुआत नॉर्मल क्वेश्चन और पिक्चर के साथ करता है। जैसे जैसे उन दोनों की बातें आगे बढ़ती है, एरेलानो को बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी मेंटल पेशेंट से बात कर रहा है। अगले दिन एरेलानो फिर एलिसिया से मिलता है, लेकिन इस बार वो नॉर्मली उससे बात करना चाहता है। जब वो एलिसिया को चाय सर्व कर रहा होता है, तभी एलिसिया जानकर चाय अपने ऊपर गिरा लेती है और कपड़े साफ करने के लिए वो स्टाफ वॉशरूम में चली जाती है और वो टॉयलेट को चौंक कर फ्लश ऑन कर देती है, जिससे पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकलने लगता है। एलिसिया पास के ही ऑफिस में जाती है और वहाँ के स्टाफ को वाटर ओवरफ्लो के बारे में बताती है, जिस कारण वो इसको ठीक करने के लिए किसी को बुलाने के लिए चला जाता है। इस बीच एलिसिया ऑफिस जाती है और उन पेशेंट की लिस्ट निकालती है जो ओल्मो के बेटे के वार्ड में थे। वो रात भर सारी इन्फॉर्मेशन एनालाइज करती है और उसे एक बंदे पर शक होता है, वो है ओर्क्युता। एलिसिया अगले दिन ओर्क्युता से ओल्मो के बेटे के सुसाइड के बारे में पूछती है। तभी हल्की हल्की बारिश होती है और ओर्क्युता वहाँ से भागने लगता है। एलिसिया को लग रहा है कि वो उससे दूर भाग रहा है, लेकिन असल में वो पानी से दूर भाग रहा है, क्योंकि उसे पानी से फोबिया है। ओर्क्युता पानी को छू तो क्या देख भी नहीं सकता। बारिश होते ही उसकी हालत खराब होने लगती है और अगले दिन वो ओर्क्युता से मिलती है। ओर्क्युता उसे अपने पानी से जुड़ी बीमारी और वो ओल्मो के बेटे को जानता तक नहीं है वाली बात बताता है और वो एलिसिया से पूछता है कि वो क्यों सुसाइड केस के बारे में जानना चाहती है। एलिसिया उसे सब कुछ बता देती है कि वो कोई मेंटल पेशेंट नहीं बल्कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो ओल्मो के बेटे के सुसाइड केस को सॉल्व करने आई है। ओर्क्युता उसे बताता है कि अक्सर ओल्मो के बेटे की लड़ाई उस बोने के साथ हुआ करती थी, जो एलिफेंट मैन का अच्छा दोस्त है। हो सकता है शायद उसी ने ओल्मो के बेटे को मारा हो। अगले दिन एलिसिया उस बोने का पीछा करते करते जंगल में जाती है, जहाँ उसे बोना तो नहीं रोमुलो मिलता है, जो उसे अपनी लकड़ी के बने छोटे से घर में ले जाता है, जहाँ उसका जुड़वा भाई रोमो और उसकी बहन बैठी हुई है। दोस्तों रोमुलो एलिसिया को अपनी माँ मानता है और वो हमेशा उसके साथ रहने को बोलता है। एलिसिया को कुछ आवाज आती है और वो उस तरफ जाती है। अचानक वो बोना एलिसिया के सर पर हमला कर देता है और दोस्तों जब एलिसिया की आँख खुलती है तो वो डॉक्टर एरेलानो के सामने हॉस्पिटल बेड पर है और उसे बेड से
बांध रखा है। डॉक्टर एरेलानो उसे बताता है कि तुमने खून कर दिया है उस बोने का, लेकिन एलिसिया को लग रहा है कि जब उस बोने ने उस पर हमला किया तो कोई तीसरा बंदा था जिसने उसे मार दिया। एलिसिया एरेलानो को उसे खोलने को बोलती है। तभी इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर डॉक्टर अल्वर अपनी छुट्टियों से वापस आता है और एलिसिया की बेल्ट खोलकर उससे बातचीत शुरू करता है। एलिसिया उसे अब तक की हुई सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताती है और कहती है कि हो सकता है कि जो बोना मर चुका है शायद वही ओल्मो के बेटे का कातिल हो। असल में एलिसिया यह सोच रही है कि डॉक्टर अल्वर उसके साथ है और वो ये जानता है कि एलिसिया डिटेक्टिव है और यहाँ ओल्मो के बेटे के कातिल को ढूंढने के लिए आई हुई है। लेकिन दोस्तों अल्वर आज पहली बार एलिसिया से मिल रहा है और पहली बार उसने एलिसिया से कोई बात करी है। असल में एलिसिया सिर्फ ओल्मो से मिलती थी और उसी ने कहा था कि हॉस्पिटल का डायरेक्टर उनके साथ है, लेकिन आज अल्वर की बातों से ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एलिसिया की इस इन्वेस्टिगेशन वाली बात को उसकी मानसिक बीमारी से जोड़ देता है और दोस्तों इस एक पल में एलिसिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक पल में ही अच्छी खासी डिटेक्टिव से एक खतरनाक पागल बन जाती है जो किसी का मर्डर भी कर सकती है। डॉक्टर अल्वर के अनुसार डॉक्टर अल्वर उसे पागल घोषित कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है एलिसिया को पकड़ने के लिए। एलिसिया उनसे बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अल्वर के एक इंजेक्शन से वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन एलिसिया को होश आता है। डॉक्टर कैसल उसे मिलने आती है और वो न्यूज़पेपर की कटिंग भी लाती है जिसमें ओल्मो के बेटे से जुड़ी सारी जानकारी है। एलिसिया उसे सब कुछ बता देती है कि वो पागल नहीं है, वो बस एक इन्वेस्टिगेशन के कारण फेक पेशेंट बनकर यहाँ आई थी, लेकिन अब वो खुद फंस चुकी है। एलिसिया को हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स के सामने बिठाया जाता है ताकि वो ये साबित कर सके कि वो कोई मेंटल पेशेंट नहीं बल्कि एक हेल्थी पर्सन है। वो अपनी पूरी कहानी को शुरुआत से शुरू करती है। दोस्तों आज से कुछ हफ्ते पहले एक पार्टी में एलिसिया के हस्बैंड हेलियोडोरो उसे ओल्मो से मिलाते हैं, जिन्हें एक प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत है क्योंकि कुछ दिन पहले उसके बेटे की डेथ मेंटल हॉस्पिटल में हुई है और पुलिस ने उसे बताया कि यह सुसाइड है, जबकि ओल्मो को लगता है कि हॉस्पिटल में ही किसी ने उसके बेटे की जान ली है। वो ये सब एलिसिया को बताता है ताकि एलिसिया उसके बेटे के कातिल को ढूंढ सके। एलिसिया अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और ओल्मो के बेटे की डेथ से जुड़े सारी जानकारी और सारे लोगों के बारे में पता करती है, लेकिन एलिसिया चाहती है कि अगर उसे और अच्छे से जानकारी चाहिए तो उसे हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ओल्मो उसे बताता है कि डॉक्टर अल्वर जो उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर है वो उसका अच्छा दोस्त है, वो एलिसिया को फेक पेशेंट बनाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा सकता है। दोस्तों उस टाइम एलिसिया डॉक्टर अल्वर से सिर्फ लेटर के थ्रू बातें करती थी, वो एक मेंटल पेशेंट की एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है। उसके बाद वो एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढती है जो उसकी एक फेक रिपोर्ट बना दे जिसमें ये लिखा हो कि एलिसिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और एलिसिया को ऐसा डॉक्टर मिल जाता है डॉक्टर डोनाडियो। दोस्तों ये नाम आपने मूवी के स्टार्टिंग में सुना था, बस आपको ये नाम अभी तक याद ही रखना है। डॉक्टर डोनाडियो से उसकी फेक रिपोर्ट आ जाती है और बैंकिंग के पेपर्स की आड़ में वो हॉस्पिटल के पेपर पर अपने पति हेली डोरियो के साइन ले लेती है। उसके बाद वो अपने पति को झूठ बोलती है कि वो हॉलीडे पर जा रही है और ओल्मो के साथ हॉस्पिटल आती है, और उसके बाद आप कहानी देख ही रहे हो। दोस्तों ये पूरी कहानी एलिसिया के नजरिए से है, इसमें कितना सच है और कितना झूठ ये सिर्फ एलिसिया जानती है। डॉक्टर अल्वर को अभी एलिसिया पर भरोसा नहीं होता, बल्कि ये कहानी सुनकर उसे ऐसा लगता है कि एलिसिया की हालत काफी सीरियस है जो इतनी सफाई से मनगढ़ंत कहानी सुनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर कैसल और डॉक्टर एरेलानो को कहीं ना कहीं एलिसिया की बात में दम और सच्चाई दोनों लगती है, लेकिन अल्वर उसे कहता है कि अगर तुम बार बार ऐसे ही बेकार कहानियों से हमारे डॉक्टर्स को भड़काओगे तो मुझे तुम्हारा इलाज जल्द से जल्द करना होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद डॉक्टर एरेलानो और कैसल अल्वर से कहते हैं कि आज तक एलिसिया ने ऐसी कोई हरकत नहीं करी जिससे ये लगता हो कि वो मेंटली अनस्टेबल है। दोस्तों अब तक जो कहानी आपने एलिसिया के नजरिए से देखी, अब वो अल्वर के नजरिए से देखो कि उसे क्या लगता है एलिसिया के बारे में। अल्वर के हिसाब से एलिसिया को अपने पति का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो उससे ज्यादा उसके पैसों को प्यार करता था, जिस कारण एलिसिया ने अपने पति को जहर देकर मारने की कोशिश करी। लेकिन लकीली हेलियोडोरो ने अपने डॉक्टर डोनाडियो को बुलाया और वो जिंदा बच गया। कुछ दिनों बाद हेलियोडोरो को अपने किचन में पॉइजन मिला और वो समझ गया कि उसकी वाइफ ही उसे मारने की कोशिश कर रही है। उसने वही पॉइजन एक जूस में मिलाकर एलिसिया को दे दिया, लेकिन जब वो जहर के कारण बेहोश हुई तो डॉक्टर डोनाडियो ने उसे जिंदा बचा लिया। अगली सुबह एलिसिया को होश आता है और वो डॉक्टर डोनाडियो और अपने पति के बीच बातें सुन लेती है, जिसमें हेलियोडोरो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी को पुलिस पकड़े, इसलिए वो डॉक्टर डोनाडियो से उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने की रिपोर्ट बनवाता है, जिसमें वो अपने पति को बिना वजह मारने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाता है। दोस्तों ये कहानी अल्वर के हिसाब से है, उसे ऐसा लग रहा है कि एलिसिया अब समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। दोस्तों आपको किसकी स्टोरी पर बिलीव है अभी कमेंट कर बताना, एलिसिया की स्टोरी पर या अल्वर की स्टोरी पर। लेकिन अभी भी डॉक्टर एरेलानो और कैसल को लग रहा है कि अगर 1% भी एलिसिया सच बोल रही है तो हम एक ऐसे इंसान को कैद कर रहे हैं जो बिल्कुल ठीक है, इसलिए उनको इसकी जड़ तक जाना होगा, जिसके लिए उन्हें ओल्मो से, उसके पति से या डॉक्टर डोनाडियो से सच्चाई का पता लगाना होगा। कुछ देर बाद अल्वर को और क्यूता से पता चलता है
है कि उस बूने को एलिसिया ने मारा, क्योंकि जब एलिसिया पर उस बूने ने हमला करा था तब वो भी वहीं था और वो मदद के लिए हॉस्पिटल गया, तब तक कोई उस बूने को मार चुका था। दोस्तों ऑर्क्यूटा की गवाही से ये साबित हो जाता है कि एलिसिया ने कोई मर्डर नहीं कराया। तभी एलिसिया देखती है कि एक ओल्ड मैन ऑफिस की विंडो की तरफ खड़ा है और दोस्तों एक बार फिर से एलिसिया के पैरों से जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि जो ओल्ड मैन ऑफिस में खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि ओल्मो है, जिसके बेटे का मर्डर केस को सॉल्व करने का दावा एलिसिया अब तक कर रही है। उसे समझ नहीं आता कि अगर ये ओल्मो है तो वो अब तक किसको ओल्मो समझ रही थी और उसके चक्कर में वो आज इस मुसीबत में फंस चुकी है। दोस्तों अब अल्वर को किसी को ये सफाई देने की जरूरत नहीं है कि एलिसिया मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। वो उसके ट्रीटमेंट को हाई लेवल पर ले जाता है और उसे इस हॉस्पिटल के बड़े पागलों के साथ शिफ्ट कर देता है जिनको एक कैदियों की तरह रखा जाता है। एलिसिया अपने दिमाग पर जोर देती है और फिर से उन दिनों के बारे में सोचती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ और उसे सब समझ आ जाता है कि असल में उसके साथ हुआ क्या है। वो डॉक्टर एरेलानो और कैसल को फिर से सब कुछ बताती है और वो कहती है कि जो मैंने बताया वो सब सच है, लेकिन ये सब उसके पति के प्लान के मुताबिक हुआ है। दोस्तों असल में ओल्मो के बेटे ने सुसाइड ही करा था, उसे किसी ने नहीं मारा, लेकिन एलिसिया के पति ने एक आदमी को फेक ओल्मो बनाकर पार्टी में मिलवाया और उस फेक ओल्मो ने एलिसिया के दिमाग में ये बात डाल दी कि उसके बेटे ने सुसाइड नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ है और उसके बाद सारे पेपर वर्क कर वो फेक ओल्मो उसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर कहीं गायब हो गया और यहाँ एलिसिया एक ऐसे मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने लग गई जो कभी हुआ ही नहीं। डॉक्टर एरेलानो और कैसल एलिसिया पर विश्वास करते हैं लेकिन उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जिससे साबित होता हो कि एलिसिया सच बोल रही है। एलिसिया उसे कहती है कि अगर कैसे भी करके मेरे बैंक अकाउंट को चेक किया जाए तो ये सब सच सामने आ जाएगा, क्योंकि अगर उसके पति ने ऐसा किया है तो अब तक एक भी पैसा एलिसिया के अकाउंट में नहीं होगा। डॉक्टर अल्वर को पता चलता है कि एलिसिया अपने बेड से गायब हो चुकी है। वो पूरे स्टाफ को उसे ढूंढने के लिए बोलता है। डॉक्टर कैसल अल्वर के ऑफिस में जाती है और उसे एक चेक मिलता है जो कि एलिसिया की हॉस्पिटल फीस से 10 गुना ज्यादा है, जिससे उसे अल्वर पर भी शक होने लगता है। तभी अल्वर ऑफिस में आता है। कैसल अल्वर से एलिसिया के लिए 10 गुना ज्यादा फीस लेने का कारण पूछती है। अल्वर उसे कहता है कि हॉस्पिटल डोनेशन के तौर पर दी गई है, लेकिन कैसल को अल्वर की ये बात हजम नहीं होती और वो एलिसिया को लेकर अल्वर से आर्ग्यूमेंट करने लगती है और इसी आर्ग्यूमेंट से अल्वर को पता चलता है कि कैसल ने ही एलिसिया को यहाँ से भगाया है, जिस वजह से अल्वर उसे नौकरी से निकाल देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एरेलानो पुलिस स्टेशन जाता है और ऑफिस की सारी कहानी बताता है एलिसिया के बारे में और उसके बैंक अकाउंट को चेक करने के लिए बोलता है और पुलिस ऑफिसर बैंक में अपने एक बंदे को भेजता है एलिसिया के अकाउंट की चेकिंग के लिए। यहाँ हॉस्पिटल में सारा स्टाफ एलिसिया ढूंढ रहा है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। जब स्टाफ के लोग वर्कशॉप में उसे ढूंढकर निकल जाते हैं तभी एलिसिया बाहर आती है जो वर्कशॉप में छिपी हुई थी। वो सब लोगों की मदद चाहती है ताकि वो यहाँ से भाग सके। वो ऑर्क्यूटा से उसका लाइटर लेती है और उसे एक प्लान समझाती है। दोस्तों रात होती है, एलिसिया वर्कशॉप में आग लगा देती है और ऑर्क्यूटा जिसे पानी का फोबिया है वो अपना हाथ पानी में डाल देता है जो उसके लिए एक एसिड के बराबर काम करता है। उसे चिल्लाता देख स्टाफ का एक आदमी आता है और वार्ड का गेट खोलकर और लोगों को मदद के लिए बुलाने चला जाता है। इतनी देर में ऑर्क्यूटा बाहर निकल है और सभी रूम के गेट खोल देता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि आग लग गई है। इससे पूरे हॉस्पिटल में लोग इधर उधर भागने लगते हैं और स्टाफ के लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाती है इतने लोगों को संभालने में और इसी भगदड़ के बीच एलिसिया हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है। यहाँ ऑर्क्यूटा देखता है कि किसी ने रोमुला को मार दिया है। पुलिस आती है। दोस्तों ये वही पुलिस वाला है जिसको डॉक्टर एरेलानो एलिसिया के बारे में बताकर आया है। यहाँ स्टाफ के लोग कुछ ही देर में सभी पेशेंट को उनके वार्ड में ले जाते हैं लेकिन जब गिनती होती है तो पता चलता है कि एक पेशेंट अभी भी कम है। ऑब्वियसली वो एलिसिया है जो अब हॉस्पिटल के मेन गेट तक पहुंच चुकी है। एलिसिया देखती है कि एक लेडी है जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट से है। वो अभी हाल ही में हॉस्पिटल में हुए मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है। वो गेट खोलती है और एलिसिया को उस लेडी से मरने वाले का नाम पता चलता है कि किसी रोमुलो नाम के बंदे का मर्डर हो गया है। दोस्तों ये वही है जो एलिसिया को अपनी माँ मानता था। फोरेंसिक डॉक्टर रोमुलो की डेड बॉडी चेक करती है। तभी डॉक्टर अल्वर को पता चलता है कि आखिरी पेशेंट यानी कि एलिसिया भी मिल चुकी है जो कि मेन गेट में एक कार के अंदर है। अल्वर पुलिस ऑफिसर और सारे डॉक्टर्स एलिसिया को लेने जाते जो कार के अंदर बेहोश पड़ी है। उसे बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि ये फोरेंसिक डॉक्टर है जिसने पेशेंट की ड्रेस पहन रखी है। एल्वर और पुलिस ऑफिसर जल्दी से रोमुलो की डेड बॉडी के पास जाते हैं और उन्हें वहाँ एलिसिया मिल जाती है। इससे पहले कि एलिसिया को पुलिस वाले गिरफ्तार करे वो उन्हें रोमुलो को किसने मारा है वो बता देती है। आपको याद होगा दोस्तों एक बार बोनी ने एलिसिया पर हमला कर दिया था और अचानक किसी ने उसे मार दिया। वो कोई और नहीं रोमुलो ही था, लेकिन उस बोने को मारते वक्त द एलिफेंट मैन ने उसे देख लिया था और जब ऑर्क्यूटा ने सारे वार्ड्स के गेट खोल दिए तो
एलिफेंट मैन को अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने का मौका मिल गया और उसने रोमोलो को मार दिया। इसके साथ ही वो डॉक्टर्स को कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ द एलिफेंट मैन के हाथ देखो। रोमोलो को मारते वक्त उसके हाथ पर भी कट जरूर लगे होंगे। और दोस्तों जब कैसल द एलिफेंट मैन के हाथ देखती है तो सच में उसके हाथ पर कई गहरे कट्स लगे हुए हैं और दोस्तों पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जाती है। एलिसिया के इस कारनामे से पुलिस वालों को नहीं लगता कि वो मेंटल पेशेंट है। इसके साथ ही ऑफिसर को ये बात पता चलती है कि उसके पति ने एलिसिया के अकाउंट को खाली कर दिया है, जिससे एलिसिया की कहानी सच साबित होती है कि ये सारा प्लान उसके पति का था सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत पाने के लिए। अगले दिन काउंसिल की मीटिंग होती है और उसमें डॉक्टर अलवर को छोड़कर सब एलिसिया की तरफ ही फैसला करते हैं। वो ये कि एलिसिया मानसिक तौर पर बिल्कुल ठीक है और उसके पति ने उसे फंसाया है ताकि वो उसके पैसे हड़प कर सके। इस फैसले की वजह से अलवर अपना इस्तीफा दे देता है और एलिसिया को एक और बंदे से मिलाता है, डॉक्टर डोनाडियो, जिससे एलिसिया अब तक ओल्मो समझ रही थी। लेकिन वो ओल्मो नहीं बल्कि वही डॉक्टर है जिसकी रिकमेंडेशन पर एलिसिया उसे हॉस्पिटल में फंस गई थी। दोस्तों इस तरह हमारी स्टोरी का एंड होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको इस तरह की मिस्ट्री वीडियो बहुत पसंद है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जरूर टाइम निकालकर एक बार ग्लास ऑनियन का एक्सप्लेनेशन जरूर देखें। आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगने वाली है। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।